जय मसीह की स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि गुजरात के मोरवी में जो ब्रिज गिर गया और वहां पे 100 से अधिक लोग मर गए, तो दोस्तों ऐसी घटना जो गुजरात में हुई है, तो प्रिय भाइयों और बहनों, इस घटना में बहुत सारे जवान लोग मर गए हैं, बहुत सारे बच्चे मर गए हैं और बहुत सारी महिला भी मर गई हैं। तो हमें मसीह होने के नाते इस घटना में मरे हुए लोगों के परिवार के लिए प्रार्थना करना है, ताकि उनके परिवारों को प्रभु की आत्मा के द्वारा शांति मिले, उनके परिवारों को तसल्ली मिले और परमेश्वर उनके परिवारों को भी चुने, ताकि उनके परिवारों को सच्ची तसल्ली, सच्ची शांति मिल सके। क्योंकि हम जानते हैं इस दुनिया में सच्ची शांति देने वाला कोई नहीं है। बिना यीशु मसीह के सच्ची तसल्ली कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि यीशु मसीह के पास सच्ची शांति है, यीशु मसीह के पास सच्ची तसल्ली है। क्योंकि हम जानते हैं इस दुनिया में कोई नहीं है जो हमें सच्ची शांति दे सकता है। प्रभु का वचन कहता है, योहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन नंबर 6, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। तो इस घटना में जो दर्दनाक घटना हुई है, इसमें बहुत सारे लोग अपने जान को गंवाए हैं और इस घटना के लिए आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस घटना के द्वारा जितने लोग चोटिल हुए हैं, घायल हुए हैं, उन सभी के लिए जल्दी स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह, आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, उनके जीवन में अद्भुत रीति से काम करें कि जो घायल हुए हैं, जिनको चोट लगी है, गंभीर रूप से बीमार हैं, वो जल्दी से जल्दी यीशु मसीह नासरी के नाम से ठीक हो जाए, अच्छे हो जाए, स्वस्थ हो जाए और उन तक भी हम सुसमाचार पहुँचा सके। आप हमें ऐसा आशीष करें यीशु के नाम में। इस घटना में जितने भी लोग मरे हैं, उनके परिजनों के लिए प्रभु हम आपकी शांति, आपका अनुग्रह उनके जीवन में स्वीकार करते हैं। प्रभु उन्हें इस दुख को सहने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु मसीह, उनके जीवन में आपका सुसमाचार जाने पाए, ताकि प्रभु वो अपने जीवन को बचाने पाए। क्योंकि प्रभु हम जानते हैं बिना आपके उद्धार नहीं है, बिना आपके शांति नहीं है, बिना आपके अनुग्रह नहीं है। आज बहुत सारे लोग बिना आपके जाने मर जाते हैं और अपने जीवन का हानि उठा रहे हैं। प्रभु हम चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना आपको जाने, बिना आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करें, ना मरने पाए। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है प्रभु, हमें हर एक ऐसे व्यक्ति तक पहुंचने के लिए आशीष दे प्रभु, जो आपको नहीं जानते हैं, हम आपका सुसमाचार उन तक पहुंचा सकें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, मरे हुए लोगों के परिवारों के जीवन में आपकी हम आशीष को स्वीकार करते हैं, उनको सच्ची तसल्ली मिले, सच्ची शांति मिले। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं, उनको सुसमाचार पहुंचाने के लिए सहायता मदद करें। हम धन्यवाद करके प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रिय भाई और बहनों, आप भी अपने परिवार के साथ ऐसे घटना के लिए प्रार्थना करें, ताकि उन परिवारों को सच्ची तसल्ली, सच्ची शांति मिल सके और उन तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंच सके, ताकि प्रभु का अनुग्रह भी उनके जीवन में काम कर सके। तो प्रिय भाई और बहनों, हम आपके जीवन में प्रभु की ढेर सारी आशीष की कामना करते हैं और हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की।